हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़ी तीन अन्य याचिकाएं भी आज खारिज कर दी। इनमें से एक में आसाराम ने ऐसे दो गवाहों के पुलिस बयान की प्रतिलिपि मांगी थी जिनको चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया था। आसाराम ने एक अन्य अर्जी में पीड़िता की दिल्ली के कमला मार्केट थाने में FIR दर्ज कराने के दौरान की गई वीडियोग्राफी की CD मांगी थी, इसे भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके अलावा हाईकोर्ट ने सह आरोपी शिल्पी की वह याचिका भी खारिज कर दी जिसमें पीड़िता के माता पिता की कॉल डिटेल मांगी गई थी। दूसरी ओर पीड़िता पक्ष की ओर दायर उस अर्जी का भी हाईकोर्ट ने निस्तारण कर दिया जिसमें पीड़िता की कमला मार्केट थाने में FIR दर्ज कराने के दौरान की गई वीडियोग्राफी की CD आसाराम को देने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। रिलेटेड प्रकरण में आज प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट में मैटर्स लगे थे। पिटिशनर्स ने आसाराम की तरफ से और सिवा वगैरह की तरफ से 91 CRPC की एप्लीकेशंस रिजेक्शन के अगेंस्ट उन्होंने यहाँ 482 पिटिशन फाइल की थी। वो सारी पिटिशन कोर्ट ने आज प्रोनाउंसमेंट के जरिए खारिज कर दी और एक पिटिशन स्टेट की तरफ से थी जिसमें उनकी 91 की एप्लीकेशन अलाउ हुई थी, वो भी रिजेक्ट हो गई। तो 5 या 6 पिटिशन थी वो सारी कोर्ट ने डिसमिस कर दी। एप्लीकेशन ये थी कि जो प्रोसिक्यूटरिक्स है उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए थे दिल्ली में पुलिस थाना में 161 CRPC में, तो उसकी रिकॉर्डिंग की थी, वीडियो रिकॉर्डिंग। तो एक पिटिशन में उन्होंने उस वीडियो रिकॉर्डिंग की CD और मणई आश्रम की साइट की रिकॉर्डिंग की थी, उसकी CD की डिमांड की थी, वो एप्लीकेशन डिसमिस हुई थी। तो एक पिटिशन वो थी तो वो हाईकोर्ट ने आज डिसमिस कर दी। दूसरी पिटिशन में उन्होंने जो प्रोसिक्यूटरिक्स है उसकी मदर की कॉल डिटेल्स मांगी थी एक सर्टेन पीरियड की, वो पिटिशन भी खारिज हो गई उनकी 91 की एप्लीकेशन। और एक पिटिशन में उन्होंने डिमांड की थी कि ये जो प्रोसिक्यूटरिक्स है इसकी कुछ छिंदवाड़ा स्कूल में स्कूल सर्टिफिकेट्स वगैरह ओरिजिनल कॉल किए करने के लिए एप्लीकेशन थी और 161 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी पुलिस ने, उनकी भी डिमांड थी। तो वो पिटिशन भी कोर्ट ने डिटेल हियरिंग के बाद में रिजेक्ट कर दी उनकी।